हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस बारे में वीडियो बनाएंगे वो डिस्क्रिप्शन में वो टाइटल आपको पता ही चल गया होगा। ये 2020 साल है, लगभग समझ लीजिए आज से 5 या 7 साल पहले, जब हम लोगों ने जब जियो नहीं आया था तब हम लोग इंटरनेट यूज़ करते थे, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं कि हम लोग पूरा YouTube वाले वीडियो देखते थे। YouTube का ग्रोथ उतना नहीं होने हो गया था उस टाइम पे। तब हम लोग ने क्या किया, तब कितना आता था, 2011, 12, 13, 14 इस जो ईयर में हम लोगों को मिलता था, जो भी सर्विस प्रोवाइडर हो, या बोलिए एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, नॉट जियो, रिलायंस जो GSM सर्विस था, उन लोगों के थ्रू हम लोगों को नेट कितना मिलता था कि 250 रुपीज़ में 1 GB डाटा मिलता था। तब यूट्यूब का भी इतना दबदबा नहीं था कि हम लोग दिन भर यूट्यूब देखते रहते, थोड़ा बहुत देखते थे, जिसके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन रहता था वो लोग यूट्यूब देखते थे। इतना भी कंटेंट या क्रिएटर भी यूट्यूब का तब नहीं था। ये 6-7 साल पहले, तो तब क्या हुआ कि हम लोग तो 250 रुपये में 1 GB डाटा मिलता था, जो भी फेसबुक, व्हाट्सएप भी उतना नहीं था, व्हाट्सएप भी था लेकिन उतना भी नहीं था, ट्विटर वो देखते थे, यूट्यूब का भी थोड़ा बहुत देखते थे। तब एक ये आया था, हम लोग मोबाइल भी खरीदते थे, कौन सा मोबाइल था तब, तो चाइना वाला मोबाइल डायरेक्ट आता था। ये जो अभी जो कंपनी जो मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम भी शूट कर रहे हैं कि रियलमी की मोबाइल से, ये भी चाइनीज़ है। फिर शाओमी है, तब मिलता था क्या, माइक्रोमैक्स, लाभा, कार्बन, इस टाइप थोड़ा बहुत टाइप का जो इंडियन कंपनी बोलता था, सो कॉल्ड इंडियन कंपनी, क्योंकि तब क्या होता था, ये जो इंडियन ब्रांड है इन लोगों का जो सब जो सामान चाइना से इम्पोर्ट होता था यहाँ पे जस्ट असेंबल। माइक्रोमैक्स का जो सप्लायर था वो चाइना से प्रोडक्ट जो इक्विपमेंट है चाइना से वो यहाँ पे भेजता था और यहाँ से असेंबल होके फिर हम लोगों के पास आता था। तब मोबाइल स्मार्टफोन इसको देखते हुए तब सैमसंग का ज़्यादा बोलबाला था, और एक फ़ोन आता था तभी 2011-12 में, सैमसंग तो होगा, उसके अलावा सोनी एरिक्सन, फिर एरिक्सन के साथ वो लोग अलग हो गए, फिर हो गया जस्ट सोनी। सोनी का प्रोडक्ट का फिनिशिंग भी अलग था और उन लोगों का प्रोडक्ट का प्राइस भी बहुत था। उसके बाद क्या, 2014 में गवर्नमेंट का एक पॉलिसी आया, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, दो दूसरे ऑपरेटर है, गवर्नमेंट ने बाहर से जो भी यहाँ पे बिजनेस करना चाहते थे उन लोगों को बोला कि आप लोग यहाँ पे आइए, आपका फैक्ट्री सेटअप कीजिए, यहाँ से आप फैक्ट्री सेटअप करके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कीजिए, फिर यहाँ पे वो आप सेल करेंगे। तो ये जो था माइक्रोमैक्स, बस जो भी वीडियोकॉन, लाभा, हाईटेक, जितना भी इंडियन ब्रांड था, वो लोग क्या करते थे, वो पहले बोला कि चाइना से उन लोगों का जो पार्ट्स मंगा के यहाँ पे असेंबल करता था। अभी क्या हुआ, जो लोग पार्ट्स इन सब कंपनियों को देता था ये लोग खुद इंडिया में पहुँच गए। जैसे समझ लीजिए पहले आया शाओमी, उसके बाद ली इको, जियोनी, ओप्पो, वीवो, ये पूरा एकदम इंडिया में आ चुका था। ये लोग तब क्या करता है, तब ये लोग अगर खुद आ गया तो ये लोग माइक्रोमैक्स या दूसरे इंडियन कंपनी को तो पार्ट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा था। तब धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये जो कंपनी है इसका सेल या मैन्युफैक्चरिंग डाउन होने लगा। इसको देखते हुए सब चलते हुए 2016 में इंडिया में लॉन्च किया जियो मोबाइल सर्विस। तब क्या हुआ, ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ 5 सितंबर 2016 को जियो मोबाइल सर्विस। इन
पर उससे पहले ही इन लोगों ने सिम कार्ड दे रहा था। पहले फेज में क्या इन लोगों का जो एम्प्लॉय था उन लोगों को भेजा, फिर थोड़ा बहुत न्यूज़ चैनल हो या दूसरा क्रिएटर हो, यूट्यूब क्रिएटर हो, जो भी हो, उन लोगों के पास सिम कार्ड आ गया था। तब ये कोई कैप भी नहीं था कि डेली कैप, अभी क्या होता है हम लोग जो रिचार्ज करते हैं उनके ऊपर डेली 1.5 GB डाटा मिलता है, लेकिन तब ये सब कैप नहीं था। उसके बाद क्या आया, जियो का ही एक ब्रांड लॉन्च किया लाइफ मोबाइल करके, अगर कोई लाइफ मोबाइल लेगा तो उसके साथ जियो सिम कार्ड फ्री मिलेगा। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया कि सैमसंग के इस मॉडल में के साथ जियो सिम मिलेगा या दूसरे कंपनी के इस मॉडल के साथ सिम कार्ड मिलेगा, क्योंकि सिम कार्ड लेने के लिए भी बारकोड जेनरेट करना पड़ता था। ये सब चलते हुए पहले था कि कोई लिमिट नहीं था, जितना भी डाटा आप कंज्यूम करो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, शायद अभी भूल चुका हूँ कि डेली 4 GB डाटा, उसके बाद 1 GB, 2 GB, ऐसे ऐसे इन लोगों का स्कीम निकलता हुआ सामने आया। तो मेरे सिटी में भी या जहाँ पर भी तब ब्लैक में भी ये 2016 में सिम कार्ड मिलने लगा जियो का। सुबह से जब लॉन्च किया 5 सितंबर 2016 को, उसके बाद लगभग 1, 2, 3, 4 महीने तक क्या हुआ, सुबह सुबह लोग जियो स्टोर के सामने लाइन में खड़े होते थे एक सिम कार्ड लेने के लिए, क्योंकि उसमें सिम जियो में नेट फ्री मिलता था। तब जियो में कॉल दूसरे ऑपरेटर में जाने का बहुत तकलीफ होता था, दूसरे ऑपरेटर सर्विस प्रोवाइडर वाले आईयूसी चार्ज को लेकर उन दोनों के बीच, जियो और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के बीच कुछ खिंचातानी चल रहा था। अभी ये प्रॉब्लम नहीं है, अभी जियो से कहीं से कहीं पर भी आप कॉल कर सकते हैं, कहीं दूसरे ऑपरेटर से भी जियो पे कॉल आता है। तब शुरू में ये प्रॉब्लम था, ये जब लॉन्च हो गया फिर धीरे धीरे, इससे पहले यूट्यूब का इतना ग्रोथ इंडिया में नहीं था। जब जियो आया उसके बाद बहुत सारे क्रिएटर, इंग्लिश क्रिएटर या हिंदी में या दूसरे रीजनल लैंग्वेज में क्रिएटर आ गए यूट्यूब पे, यूट्यूब का भी ग्रोथ आया, यूट्यूब को पर भी एडवर्टाइजमेंट एड ज़्यादा आया, फिर जो भी यूट्यूब का क्रिएटर है उन लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि जितना हिट होगा जितना व्यू मिलेगा उनके उनको भी उतना पैसा मिलेगा। ये जितना भी रेवोल्यूशन इंडियन मोबाइल इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइडर या बोल सकते कि डाटा या इंटरनेट का जो बोल वाला यूट्यूब का, सब ये 2016 में जियो आने के बाद ही ये देखने में आया इंडिया में। और फिर पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि जियो को नाम लेके अभी ये लॉकडाउन के बाद से थोड़ा बहुत फ्रॉड चल रहा है, ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया है। ये वीडियो इस वीडियो में मैंने नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं पूरा देख लूँगा क्या क्या हो गया है, पूरा डॉक्यूमेंट लेके कलेक्ट करके फिर ये एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए लगता है, आपका कोई फीडबैक हो, आपको क्या लगता है मैंने जो बोला इस बारे में, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पूरे वीडियो देखने के बाद जाने से पहले एक लाइक या डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो इन माय चैनल।